नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, दिव्यांगजनों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती थी। अगर कोई दिव्यांगजन बीमार पड़ जाता था, उनका स्वास्थ्य अगर ख़राब हो जाता था, उनको किसी बीमारी का लंबा इलाज करवाना पड़ता था, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती थी। पैसे के अभाव में, पैसा ना होने के वजह से उनका इलाज और उस बीमारी का इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पाता था, जिससे हमारे दिव्यांगजन काफ़ी परेशान होते थे। और कितने दिव्यांगजनों की पैसे की अभाव में किसी बीमारी के पकड़ लेने की वजह से, किसी बीमारी से अगर वो ग्रसित हो जाते थे तो पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। दोस्तों, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी स्कीम और एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च की है दिव्यांगजनों के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, आपको इसी योजना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दिव्यांगजनों को अपनी इलाज के लिए, अपनी दवाई के लिए दर दर भटकना ना पड़े और किसी दिव्यांगजन की इलाज के अभाव में या पैसे के अभाव में मृत्यु ना हो, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है इन दिनों, जिससे दिव्यांगजनों को अब जो भी दवाई के लिए या उनके इलाज में किसी भी बीमारी का अगर वो इलाज कर रहे हैं, जो उनका खर्चा आ रहा है उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको देने का फैसला किया है। उनके इलाज में, उनकी बीमारी में जो भी खर्चा आता है उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने देने का फैसला किया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से ये खबर छापी गई है और दिव्यांगजनों तक इस योजना के बारे में जानकारी पहुँचाई जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए आपको ना किसी मेडिकल कार्ड की ज़रूरत है, ना किसी आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है। आप जिस बीमारी का और जहाँ से आप दवाई कर रहे हैं, जहाँ से आप अपना इलाज करवा रहे हैं, वहाँ से उस दवा का जितना आपका खर्चा आ रहा है उसका बिल होना चाहिए। उसका बिल आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में ले जाके जमा करेंगे। वहाँ पर ले जाके आप दिखाएंगे कि इस बीमारी का इलाज इतने दिनों तक मैं किस अस्पताल से किया हूँ और वहाँ इस बीमारी में मेरा इतना पैसा खर्च हुआ है। उसका प्रूफ के तौर पे जो दवाई का बिल है और उस पर डॉक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। इतना दिखाने के बाद आप दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में दिखाएंगे, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपकी जांच की जाएगी और इसके बाद आपका जो भी इलाज और दवाई में जो भी खर्चा आया रहेगा आपके खाते में सीधे उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना से दिव्यांगजनों को काफ़ी मदद मिलने वाली है। एक बहुत अच्छी योजना है और सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी योजना इस समय जो कि चलाई जा रही है। अभी देखिए इसको कब से लागू किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए ताकि जो भी हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनको अपने स्वास्थ्य का और अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसका इलाज वो अच्छी तरह से करवा सकें। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें आपको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ना तो इसमें आयुष्मान कार्ड आपका रहेगा, ना तो किसी मेडिकल कार्ड की आपको ज़रूरत है। बस आपका जो दवा का बिल है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि इस बीमारी के इलाज के लिए मेरा इतना पैसा खर्च हुआ है। इसको आपको जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है वहाँ पे ले जाके आपको दिखाना होगा और वहाँ पे जो भी उसकी प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद आपका जितना भी पैसा खर्च हुआ होगा उस बीमारी में, उस इलाज में, उस दवा में, वो सारा पैसा आपका आपके सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, दिव्यांगजनों के हित के लिए एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है सरकार द्वारा। दिव्यांगजनों को जो कि अपनी बीमारी का अगर वो बीमार हो जाते थे तो पैसे के अभाव में उनका अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पाता था। तो मुझे उम्मीद है इस योजना से दिव्यांगजनों को काफ़ी मदद मिलने वाली है और ये योजना उनके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।